हम करने वाले हैं फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला स्टार्ट कैसे होता है? और इक्वल टू लगा दो। हाँ, इक्वल टू से और शॉर्ट की मतलब जैसे इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, और किसी की से स्टार्ट कर सकते हैं? ब्रैकेट से हो सकता है? ब्रैकेट से नहीं होता। देखो ये हैं जिनसे स्टार्ट होता है, इक्वल टू प्लस माइनस एट द रेट। इक्वल टू से तो आपको पता ही है, प्लस से भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस से भी कर सकते हैं। पर माइनस में क्या होता है, पहली वाली की के कारण पहली वैल्यू माइनस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस से कर दिया, ऐट द रेट से आप ये वाला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऐट द रेट से आप ये वी लुकअप सम जो लिस्टेड फंक्शन होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। दूसरा मैथमेटिकल मैथमेटिक के लिए हम जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं? जैसे इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट किया 10 प्लस, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इनको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? प्लस माइनस और प्लस माइनस, जीरो हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई और पावर, ये हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई के लिए स्टार, ठीक है, डिवाइड के लिए बैक स्लैश है, ठीक है, पावर के लिए शिफ्ट 6, हाँ, कैरेट का साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। ये कैसे यूज़ होते हैं? हमें मतलब दो वैल्यू को अगर कंपेयर करना है तो ज़रूरी नहीं हम हर बार इफ़ का फार्मूला ही लगाएं, विदाउट इफ़ के फार्मूला के भी हो जाता है। इज ई 27 इक्वल टू, इक्वल टू जो होता है कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। अब कंपेयर करने के लिए देखो, रेफरेंस के बाद जो भी लगता है वो ऑपरेटर ही होता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों बराबर है कि नहीं, हमें रिजल्ट मिलेगा वो बराबर है तो ट्रू और बराबर नहीं है तो फॉल्स। ये हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर आपके बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू देते हैं, इनको कहते हैं बुलियन वैल्यूज़, ठीक है। ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, जैसे ऑन ऑफ होता है कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं तो इसकी इसकी वैल्यू इसकी 1 ही होती है वैसे तो, मतलब देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया ना, और इसको मैं सेम फार्मूला लगाता हूँ तो 0 आएगा, ठीक है। तो ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की 0 होती है, ठीक है। इसीलिए वी लुकअप के लास्ट के फार्मूला में 0 देते हैं क्योंकि वहाँ फॉल्स चाहिए होता है, ठीक है, 0-1 से भी चल जाता है, ठीक है। तो ये बुलियन वैल्यूज़ होती हैं जिससे आप ये कंपेयर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या 10 जो है वो 2 से बड़ा है, क्या आएगा? ट्रू। अब फॉल्स, पर हम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं या बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है, तो ट्रू आएगा। इसी तरह से हम लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेस देन, तो 10 less than 8 no, ठीक है। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है? वही होता है, इक्वल छोटा हो या उसके बराबर हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, क्या ये इसके बराबर नहीं है, क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि बराबर है, बराबर है तो ट्रू है, ठीक है।
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। इसी तरह टेक्स्ट की वैल्यूज़ के लिए, अब इसमें एक और चीज़ है, मान लो कि मैं कंपेयर करता हूँ इसको, क्या ये इक्वल टू इसके, ये इक्वल टू इसके, क्या आना चाहिए रिजल्ट? D27। हाँ मतलब क्या ये इक्वल टू इसके, ये इक्वल टू इसके, ये बनने वाला फॉल्स आएगी। क्यों आएगी दिखाते हैं। फार्मूला में आपका, फार्मूला एडिटिंग के भी टूल होते हैं, वैल्यूएट फार्मूला होता है, वो बताएगा कि फार्मूला ने कैसे रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो पहले D27 ने निकाला 10, E27 ने 10, दोनों को कंपेयर किया, क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। ट्रू की वैल्यू क्या है? 1 होती है, तो 1 10 के बराबर कैसे हो सकता है, इसलिए फॉल्स आए। तो जब भी कंपेयर करेंगे हम ये ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन वगैरह सिर्फ दो के बीच में ही होता है, तीन या उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? कंकैटिनेशन। जैसे दो सेल्स में आपके वैल्यू पड़ी है, उनको एक सेल्स में लिखना है तो क्या करेंगे, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, इकट्ठे दिखा दिया, बीच में स्पेस दिखाना है। तो अब जब ये हमें यहाँ टेक्स्ट देना होता है फार्मूला के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा में देखते हैं, चाहे वो स्पेस क्यों ना हो, फिर एंड लगा देंगे कि D35 जॉइंट होगा इसके साथ और ये फिर जॉइंट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, मिस्टर लगाना है आगे, इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे फिर जॉइंट करेंगे। ठीक है, समझ गए इसको कैसे चल रहे हैं? तो ये है हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, फार्मूला में ये चीज़ें ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जो कैलकुलेशन करती हैं, ये लिस्टेड फार्मूला होते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें देखो एक नॉर्मल फार्मूला में आपका जैसे इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट हुआ, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ कोई बटन, उससे लिस्टेड फार्मूला आई से रिलेटेड आ गए। अब इनसे मैं नेविगेट कर सकता हूँ एरो की से, जैसे मुझे इफ का फार्मूला यूज़ करना है तो टैब दबाऊंगा, या तो टाइप कर दो या टैब दबाओ, ब्रैकेट ओपन तक आ जाता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन तक आ जाता है। उसके बाद ये आपसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर से होता है। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट जैसे हम कर देते हैं यही वाला, क्या ये इक्वल टू है इसके? ठीक है, ये वैल्यू क्या निकालेगा, ट्रू फॉल्स में निकालेगा। ट्रू फॉल्स के बेसिस पे अगर वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे हमें क्या पैरामीटर देना है, हमने करना है इक्वल और नॉट इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट हम यहाँ दे रहे हैं, सारे फार्मूला का एक जैसा ही रूल है। ठीक है, तो नॉट इक्वल, जैसे इक्वल होगा ये। ठीक है, तो आप देखो ये करता कैसे है, ट्रू फॉल्स जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर से लेता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर इंडिविजुअल एंटिटी, आपको कैलकुलेशन देखनी है यहाँ पे कि स्पेसिफिक जो मैंने सिलेक्ट किया है उसकी कैलकुलेशन क्या है, F9 से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको मैं 1 दे दूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल, और 0 दे दूँ तो नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कंपेयर नहीं करता, ये तो खाली वैल्यू प्लेस करता है, अगर ट्रू आता है तो क्या देना है, फॉल्स आता है तो क्या देना है। तो इसको कभी भी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रू इक्वल टू ट्रू, अगर दूसरे सेल से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, ये जो कैलकुलेशन हो रही है, ये मैं कहीं और करा देता हूँ, जैसे यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर ने जो वैल्यू दी, अब मुझे ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि ये इक्वल टू ट्रू हो। ठीक है, चलेगा ये भी, पर ज़रूरत नहीं है इसकी, डायरेक्टली लिख दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के बेस पे ही काम करता है। ठीक है, ये काम करेगा। ठीक है, इफ का फार्मूला समझ में आ गया।
तो इस फार्मूला में आपने देखा कि एक मैंने रेफरेंस यूज़ किया, ये जो इनको कहते हैं रेफरेंस, ठीक है, और इसको कहते हैं कांस्टेंट, जो वैल्यू हम यहीं पे देते हैं। टेक्स्ट को आपको ऐसे देना पड़ता है और नंबर को कैसे देना पड़ता है, डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो आ रहा है, तो नंबर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट को आप इनवर्टेड कॉमा में एंटर करोगे? हाँ, स्पेस के साथ जो भी करना है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, अगर स्पेस भी देना है तो स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ठीक है। तो दो तरह की कांस्टेंट, इन दोनों वैल्यूज़ को कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये यहीं दी जाती हैं और चेंज नहीं होती। रेफरेंस होता है किसी सेल से रिलेटेड, वो इसके बेस पे पिक करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप होता है, वैसे दो टाइप और होते हैं जो इसके अंदर फार्मूला के अंदर चलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपकी नेम्ड रेंज। नेम्ड रेंज क्या हो गई, जैसे ये रेंज है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो मेरे को क्या दिखा रहा है, J9 से J13, ठीक है, J9 अभी आपके पास ऐसा ही दुनिया भर का डाटा पड़ा है, अब आपको फार्मूला में यूज़ करना है। हर टाइम हम सिलेक्ट नहीं करते, कई बार टाइप भी कर देते हैं, तो इस तरह से याद करना मुश्किल होता है। तो अगर इसकी जगह मैं इसका कुछ नाम दे दूँ तो मेरे लिए आसान होगा। जैसे क्या नाम दे दूँ इसको, मैं दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है, नेम बॉक्स। इसमें आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया डाटा, ठीक है। अब मैं डाटा को जब करता हूँ तो उसका मतलब तो वही रेंज है। इसको मैं किसी फार्मूला के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, सम में मैं डाटा दे देता हूँ, ठीक है, तो इसी का सम दिखाएगा। दूसरा, अगर मुझे किसी शीट के रेफरेंस लेने की ज़रूरत है, अगर ये यहाँ पे मुझे किसी शीट का रेफरेंस चाहिए, तो ये क्या आ रहा है ऊपर, शीट वन करके आ रहा है, तो शीट का नाम देना पड़ता है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ता है, फिर उसका रेफरेंस देना पड़ता है, ये होता है। इसके आगे अगर दूसरी फाइल से ले रहे हैं तो फाइल का नाम आ जाता है, सेम फोल्डर में तो फाइल का नाम, सेम फोल्डर में नहीं है तो उसका पूरा पाथ, किसी ड्राइव में कहाँ पड़ी है, कौन सी फाइल है, कौन सी शीट पे कौन सा रेफरेंस है, ऐसे पूरा लिस्ट दे देता है, ठीक है। पर आप डाटा को किसी भी शीट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब वही होगा डाटा, तो रिजल्ट देगा ये, ठीक है, ये शीट पे इंडिपेंडेंट है। हाँ, वो आप सिंगल रेंज भी बना सकते हो, मल्टीपल की भी रेंज बना सकते हो, ठीक है। और ये हर जगह आता है, VLookup में भी आ जाता है, ये भी एक टाइप है। जैसे आप रेफरेंस दे रहे हो, कॉन्स्टेंट दे रहे हो, तो ये नेम्ड रेंज भी एक टाइप है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो आपकी रेंज डिफाइंड है पूरी शीट, पूरे वर्कबुक में, फाइल में, वो आपको यहाँ दिखाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डाटा पे, आप पहुँच जाओगे कि किस रेंज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फार्मूला के अंदर डिफाइंड नेम, नेम मैनेजर का पूरा सेक्शन है, ठीक है। नेम मैनेजर में देखोगे तो आपको बता देगा कि कौन सी आपका वो है, उसमें क्या वैल्यू है और किस शीट को रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है। अगर इसको कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से हम जाके चूज़ करके और यहाँ से चेक पे क्लिक कर देंगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, अदरवाइज एडिट पे कर सकते हैं, एडिट पे यहाँ से रेंज चेंज करके, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम डिलीट, नहीं चाहिए डिलीट कर दिया, क्लोज। ये दोनों में ही है, 2007 और 13 हाँ, ये सारे मतलब हाँ, हर किसी में, हर किसी में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या हुआ, है ना। अभी बताता हूँ, अभी इफ के फार्मूला पे आ नहीं रहा मैं, अभी का फार्मूला कंपोनेंट बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो, अब वो नेम नहीं है हमारे पास, तभी ये नेम की एरर आती है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड आपने टाइप कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फार्मूला गलत नाम टाइप कर दिया, तब भी ये नेम की एरर आएगी, ठीक है, ये मतलब इसका कोई नेम नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये अपना एक नेम ड्रिल चलती है। दूसरा क्या होता है, दूसरी एंट्री हम करते हैं फार्मूला के थ्रू, जैसे कि ये है, इसकी बजाय पैरामीटर में आप फार्मूला भी दे सकते हैं कोई, जैसे आपने दे दिया कि अगर वो ना हो तो ये सम का फार्मूला चल जाए और उसमें ये दिखा दे,
ठीक है, नॉट इक्वल के केस में क्या होगा, सम दिखा देगा। तो मतलब हम एंट्री क्या क्या कर सकते हैं, रेफरेंस, नेम्ड रेंजेस, कांस्टेंट और फार्मूला, ये चार चीज़ हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं फार्मूला के अंदर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये देखो, ये जो स्क्रीन टिप दिखाता है हर किसी फार्मूला के लिए, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप, ये पैरामीटर होते हैं जो कॉमा से आपको सेपरेट करके देने होते हैं, ठीक है। इनको पूरा करना ज़रूरी है। देखो जहाँ पे आपके बड़े ब्रैकेट लगे होते हैं कई वैल्यूज़ के आगे, तो उनका क्या मतलब होता है कि वो देने ज़रूरी नहीं है, फार्मूला उनके बगैर भी चलेगा अगर आप वो पैरामीटर नहीं देते हो तो, ठीक है। यानी कि अगर इफ का फार्मूला था, जैसे अगर इसमें इसमें ये दो वैल्यू ना भी दूँ, तो भी ये चलेगा, वैल्यू ट्रू फॉल्स में, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होती है वैल्यू, उसका साइन होता है, ठीक है। और क्या होता है, देखो इसमें क्या है, क्राइटेरिया रेंज ऑन का ये मतलब सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे क्राइटेरिया लेगा, ठीक है। तो कितने भी पैरामीटर एंटर कर सकते हैं, इस तरह से है ये, ठीक है। तो फार्मूला के बारे में समझ आया कैसे करते हैं। एक और चीज़ होती है जिसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब हमें फार्मूला में दिक्कत होती है, कि रेंज को लॉक करते हैं। डॉलर का यूज पता है, वैल्यू को फिक्स करने के लिए रो को या कॉलम चलाने आता है। हाँ हाँ, वो मैंने पूरा बता दिया था ना, है ना, F4 से करते हैं, शॉर्टकट है उसका, ठीक है। चलो फिर इफ के फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। इफ का फार्मूला देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, 50,000 से ज़्यादा सेल पे हमें 1,000 रुपये इंसेंटिव देना है, अदरवाइज ज़ीरो करना है। तो क्या फार्मूला लगेगा, इफ लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है कि क्या ये ग्रेटर देन 50,000 है, कांस्टेंट दे देंगे। अगर ट्रू है तो क्या देना है, 1,000, अदरवाइज ज़ीरो, ठीक है, यही है, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना इफ का फार्मूला कैसे चला। अब देखो हमारे पास एक स्लैब है और इंसेंटिव निकालना है हमने, इंसेंटिव रेंज है 0 से 19,999 तक ज़ीरो देना है, 20,000 से 39,000 समथिंग 200, 40,000 से 15 इतना, ऐसे ऐसे करके ग्रेटर 1,00,000 या उससे ऊपर पे 2,000 देना है, ठीक है। तो इफ के फार्मूला से कैसे लगाएंगे, अब यहाँ ट्रिक है क्योंकि बहुत सारे इफ के फार्मूले लगेंगे एक के अंदर, हाँ एक ही फार्मूले में लगाना है, वही रिपीट करेंगे वैल्यू चेंज करके। हाँ वो देखो अब कैसे करना है, यही ट्रिक है कि बड़े फार्मूले लगाते कैसे हैं, ठीक है। इफ टाइप किया मैंने, यहाँ से मैंने पहला पैरामीटर लेना, पहले आपको डेटा को समझना होता है कि ये डेटा क्या है क्या। अब इसमें देख रहे हो कि रेंज कहीं भी टूट नहीं रही है, ठीक है, 0 से 1999 तक है, इससे इधर तक है, तो बीच में कहीं गैप नहीं है, यानी 0 से लेकर 1,00,000 तक वैल्यू ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगाएंगे, ग्रेटर देन 3 तो हम कर नहीं सकते, तो शुरुआत करते हैं पहले लॉजिक से कि 0 से लेकर 19,999 तक जो है इंसेंटिव 0 आएगा। तो पहले फार्मूला में हम ये चेक करेंगे कि जब वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये है तो ये आए, ठीक है, पहली कंडीशन मिल गई। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू ये है तो ये आएगा, तो पहले हम पहली कंडीशन पे चलते हैं, इफ ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू इसके है। अब या तो लेस देन इक्वल टू ये ले लें और या ले लें लेस देन ये, ठीक है, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करेगा, एक कहीं तो डिफरेंस है, तो हम इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे फार्मूला को तो ये रेंज खिसक सकती है, तो इसको फुल फिक्स करके चलेंगे, ठीक है, ठीक है, F4 से फिक्स कर दें। अब ट्रू आए तो क्या देना है, अगर आता है तो ये रिजल्ट देना है, इसको भी फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर उस रेंज में नहीं है तो क्या करना है, बड़ी है उससे, ठीक है, तो हमें एक कंडीशन ये भी चाहिए कि क्या वैल्यू इससे छोटी है ना,
ये 40,000 से छोटी है, ये तो चाहिए ना दूसरा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये फार्मूला को कंप्लीट करना है। रीजन क्या है, तो मैं कोई भी नंबर डाल के इसको बाहर निकल आता हूँ, एक डाल। रीजन क्या है इसका कि अब मैं इसमें कोई भी चेंज करता हूँ, क्योंकि जब बड़ा फार्मूला लगाते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और गलती से एस्केप का बटन दबा तो आपका फुल फार्मूला गायब हो जाएगा। तो फार्मूला को, एक फार्मूला को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ भी आए, मान लो कि मैंने ये कर दिया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, ये कर रहा हूँ नहीं चल रहा, एस्केप किया, तो यहाँ तक बचा रहता है फिर, ठीक है, लास्ट वर्किंग तक। तो ये ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन देनी, एक फार्मूला कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इस पे लगाते हैं इफ़ का सेम फार्मूला, इसमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, ताकि आप ब्रैकेट में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसकी वजह से भी एरर आ जाती है वो वाली, ठीक है। फिर मैंने वही कंडीशन लगानी है कि अगर ये लेस देन 40,000 है, फिक्स कर लेंगे, तो ये आ जाए, अदरवाइज फिर वन डाल के बाहर आ जाओ, ठीक है। इसी तरह से करते चले जाओ, इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगर ये लेस देन है इससे तो ये आ जाए, ठीक है। मैं इसको लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक और फार्मूला पता है। पर आप जो करेंगे वो वन डाल के करेंगे, धीरे धीरे जब आपका फार्मूला क्लियर हो जाएगा दिमाग में, तो ये कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कौन सा बटन नहीं दबाना, पर आप परेशान होकर दवाई दोगे, ठीक है। तो अगर ये है तो ये आ जाए, तो एक और इफ, अगर वैल्यू लेस देन इससे हो, अब देखो लेस देन इससे होगी तो क्या है कि हमारा ये आएगा 1500, और उससे ज़्यादा होगी क्योंकि अब और कंडीशन कोई बची नहीं है, तो 2000 चलेगी, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया, फार्मूला लग गया, ड्रैग कर दिया, ठीक है, आ गया रिजल्ट। फार्मूला चेक करने के लिए कि रेंज कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सबसे लास्ट वैल्यू पे F2 करके चेक कर दो, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है, लास्ट में वेरीफाई करने के लिए ये कर लो, तो आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ये क्लियर है कि लंबा फार्मूला कैसे लगाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चेक करके, हाँ ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने देखना हो कि मैंने फार्मूला क्या लगाया है, तो हमारे पास यहीं पे फार्मूला एडिटिंग के अंदर शो फार्मूला का भी बटन है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्ड। कंट्रोल टिल्ड कौन सा होता है, ये वाला बटन, तो आप देख सकते हो सब पे फार्मूला दिखा देगा आपको, कहाँ कहाँ क्या फार्मूला लगा, ठीक है। कंट्रोल टिल्ड वापस दबाओगे ये, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, पहले चार्ज का लगा दो, उसको इसी के साथ ना प्रैक्टिस कर देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है हमारे डॉलर्स की होती है, डॉलर ही है। हाँ, डॉलर अगर आपने उल्टे सीधे लगा दिए तो फॉर्मूला गलत रिजल्ट देगा। पर अगर लॉजिक क्लियर होता है ना तो ये दिक्कतें कम आती है। अब चलते हैं, लॉजिकल फॉर्मूला कर रहे हैं हम, इसमें हमने कर अभी इफ का फॉर्मूला किया है, ठीक है। हमारे पास और भी फार्मूला है इसमें। अब ये देखो कि मान लो एक इंटरव्यू है, उसमें 3 राउंड है, और जजेस ने रिजल्ट कर दिया है कि ये क्वालिफाई करता है वाई, नहीं करता तो नो। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर तीनों में यस है, तीनों में वाई है, तो सिलेक्टेड दिखाओ, अदरवाइज रिजेक्टेड दिखाओ। तो इफ़ का फार्मूला कैसे लगाएंगे इसमें, इफ़ अगर ये इक्वल टू वाई है
ठीक है, तो क्या आ जाए? वन। हाँ यहाँ वन आएगा, ठीक है। और बाकी नहीं है तो जीरो या आर रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वन वन में हम आगे वर्किंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों को चेक करना है ना। तो ये फार्मूला कंप्लीट किया, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे। इफ फार्मूला कंप्लीट करना जरूरी है, सारे पैरामीटर पूरे होने चाहिए, है ना। ये वहाँ बीच में करेंगे या रिजेक्टेड के बाद से स्टार्ट करेंगे? नहीं, रिजेक्टेड से बाद से क्यों करेंगे? इसमें कहता है कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ठीक है, ठीक है, तो ये अगर ट्रू है तो कंपलसरी बन रहा है कि मैं इसको भी चेक करूँ, तो वर्किंग कहाँ होगी? ट्रू के केस में होगा। हाँ वो, क्योंकि अगर नहीं है, पहले में ही नो मिल गया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, मिल गया, ठीक है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर ये इक्वल टू वाई है तो क्या करे, वन दे देते हैं, क्योंकि अभी एक और चेक करना बाकी है, अदरवाइज इसका फार्मूला तो कंप्लीट करना है, रिजेक्टेड, ठीक है। इस जगह पे फिर से एक और इफ का फार्मूला लगा देंगे, अब ये फाइनल है क्योंकि एक ही चेक करना है। तो अगर ये इक्वल टू वाई है तो वैल्यू वन, नहीं अब वन नहीं आएगा, सिलेक्टेड, हाँ, क्योंकि तीनों में मिल गया ना अब, तो अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आपका, पर इफ का फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, इसका एंड का फार्मूला लगाओ, तीनों कंडीशन एक साथ दे दो, ठीक है। अब एंड का फार्मूला क्या करेगा, अगर तीनों वैल्यू ट्रू हैं तो ट्रू दे देगा, और तीनों में से एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स ही देगा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स के बेस पे हम इफ से रिजल्ट जनरेट करा सकते हैं, सिलेक्टेड, तो कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं इफ के फॉर्मूला से, हाँ, तो ट्रू फॉल्स का रिजल्ट एंड से दे सकते हैं। हाँ वो एंड का देखो कर क्या रहा है वहाँ पे, वो क्या कर रहा है कि अगर तीनों ट्रू मिल जाते हैं इसे फॉर्मूला इवेल्युएट करते हैं, यहाँ क्या मिला, ट्रू मिल गया, यहाँ क्या मिला, फॉल्स मिला, यहाँ क्या मिला, ट्रू। अब दो जगह ट्रू मिला है, एक जगह फॉल्स मिला है, तो ये फॉल्स ही देगा, ठीक है, ठीक है। और ट्रू जहाँ मिला है वहाँ देखो क्या करता है, देखो यहाँ ट्रू मिला, यहाँ ट्रू मिला, यहाँ भी ट्रू मिला, तीनों ट्रू मिल गए तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स के बेस पे हमने यहाँ से वैल्यू जनरेट करा दी, तो सेम वैल्यू है। पर इसमें हम तीनों कंडीशन एक साथ नहीं दे सकते, इफ में इस तरह से दे सकते हैं, मतलब ये तरीका है इसका, हाँ, मतलब डायरेक्ट जैसे एंड में आपने दिया था, हाँ, मैंने कहा ना खाली दो ही चीज कंपेयर कर सकते हैं इसको इससे, तीसरी कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ ऐसे लॉजिक बनाने पड़ते हैं कि किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसमें एंड में और इसमें एक कॉमन बात देखोगे कि ये जो है ना, ये फार्मूला हमेशा ट्रू में चल रहा है आपका, देखो लॉजिकल टेस्ट आया वैल्यू इफ ट्रू में, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू में, मतलब ये ट्रू में चला, रिजेक्टेड में तो रिजल्ट आ ही गया था, जब ट्रू में फार्मूला चलता है तो एंड का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की कंपलसरी होता है ट्रू होना, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो दो दो कॉलम पे तो लगाएंगे नहीं, हमें तो चाहिए एक ही कॉलम पे, तो क्या करेंगे हम, ये देखेंगे, देखो दो में लगाया मैंने फार्मूला, तो ये डेटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है, बट ये फार्मूला जो है वो इस पे डिपेंडेंट है, तो मैं इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म करूँगा पहले, ठीक है। क्या करूँगा मैं, इसको इक्वल टू से पहले कॉपी कर लूँगा, और ये रिफरेंस ये किस में, F4 में है, तो इस फार्मूला में जहाँ भी F4 यूज़ होगा उसको हटा के मैं उसकी जगह वो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट डिपेंडेंट हो गया डेटा पे, लिंक दिखा रहा है, इसमें ये होता है कि रेफरेंस जिस कलर का है ना वो उस कलर को यहाँ पे दिखाएगा, जैसे रेड है, ठीक है, तो ऐसे पहचान सकते हैं रेंजेस को। तो अब इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना,
तो यानी कि मेरा जो जो फार्मूला बनेगा, अब देखो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या दिक्कत आती है, मेरी रेंज आगे सरक गई है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रेंज फिक्स रहे, कट करके कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके फार्मूला की रेंज डिस्टर्ब नहीं होगी, कंट्रोल एक्स करके करें, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इफ का शॉर्ट फार्मूला हो गया, है ना। सेम इसी तरह से अगर इसमें देखो बैंक एप्लीकेशन का फॉर्म है, तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसे ओके करना है, अदरवाइज नॉट ओके, ठीक है। तो इफ के फार्मूला से क्या करेंगे, अगर पहले में यस मिल गया तो क्या है, रिजल्ट आ गया, तो हम चलेंगे इसमें नहीं, फॉल्स में। अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम अगले में चेक करेंगे कि अगले में है कि नहीं। तो रिजल्ट हमारा यहाँ आ रहा है, फार्मूला चलेगा फॉल्स में, यहाँ तो रिजल्ट आ गया कि ओके है पहले में, और नहीं तो फिर यहाँ पे फिर से एक इफ का फार्मूला चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो जब फार्मूला फॉल्स में जाता है तो और यूज़ करते हैं, और क्या करता है, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ, तो मैं डायरेक्ट ही और का फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, तीनों चेक कर दी। देखो जहाँ फॉल्स दिया वहाँ तीनों की तीनों ही फॉल्स है, इसमें यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, तो ट्रू देगा। एक भी ट्रू दे देता है ना तो ट्रू दे देगा। अब इफ के बेस पे उसका रिजल्ट दे देंगे, ओके नॉट ओके, ठीक है। डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, इसको उठा के और को उठा के इसमें पेस्ट मार दो, ठीक है, जहाँ रिफरेंस यूज हो रहा है। कहीं गड़बड़ कर गया, ई लग गया, ठीक है, ये पूरा कट करके पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो और का फॉर्मूला, ठीक है, और क्लियर हो गया। अब देखो कि सरकारी बैंक की एप्लीकेशन है, अब उसमें उन्होंने कहा एक एड्रेस प्रूफ ले आओ, एक आईडी प्रूफ ले आओ। एड्रेस प्रूफ की ये कैटेगरी है, आईडी प्रूफ की ये कैटेगरी है। तो रियल वोटर आईडी कार्ड में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक होना चाहिए, और पैन कार्ड आधार कार्ड में दोनों में से एक, पर एक आईडी और एक एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर खाली एड्रेस प्रूफ है बेशक दोनों हैं तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी इसमें बताओ, इसकी कंडीशन बनेगी एंड और को कैसे सेट करेंगे, एंड और को, हाँ इफ की तो बहुत टफ बन जाएगी, इसकी बनेगा पर टफ बनेगा। और में तो आपने वही बताया था जैसे और का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो इन दोनों में से चॉइस है, ठीक है, चॉइस बन जाएगी, चॉइस है ना, एक और यहाँ लगेगा इन दोनों के लिए, इन दोनों में भी चॉइस है तो एक और लगेगा। अब इन दोनों के और से जो ट्रू फॉल्स आ रहा है वो चला जाएगा एंड के अंदर, ठीक है, और इफ रिजल्ट दे देगा। तो कैसे करेंगे, और का फॉर्मूला लगाया, पहले मैंने चेक कर लिया क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है, एक और हो गया, दूसरा और लगेगा, क्या ये इक्वल टू वाई है या इक्वल टू वाई, ठीक है, दोनों ने अपना अपना दे दिया एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ ने, पर दोनों होने चाहिए तो एंड के अंदर दे दो। इसको भी लिंक दे सकते हैं, इनको भी लॉजिकल टेस्ट से ही मतलब होता है, ठीक है, तो दोनों ट्रू हैं तो क्या देगा, एंड ट्रू देगा, ठीक है। और इफ का फार्मूला एंड के फार्मूला के बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, फार्मूला ऐसे तोड़ तोड़ के लगाने से काम जल्दी हो जाता। अब देखोगे ये रिजल्ट दे दिया, पर ये सारे तो लगाएंगे नहीं, मेथड वही करेंगे, डिपेंडेंसी ख़त्म होने वाला। अब मैंने कहा कि ये जो है ये इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये किस पे, ये इन दोनों पे है, और ये दोनों हमारे डायरेक्ट डेटा पे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की डिपेंडेंसी पहले इन दोनों पे से ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट डेटा पे लाएंगे, उसके बाद इसको उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया इक्वल टू से पहले तक, और यहाँ जहाँ G28 है वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी ऐसा ही किया, और जहाँ H28 है वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस पे आ रहा है डायरेक्ट, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। अब इसको उठा के जहाँ पे I28 if के फार्मूला में हो वहाँ पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्ट डेटा पे आ गया, इसको भी डिलीट कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे आंसर निकल आया, कट करके इसको पेस्ट मार दिया। ठीक है, तो ये रहा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम। इसको हम इफ के फॉर्मूला से भी कर सकते थे, पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, समझ नहीं आता। हाँ, मान लो इफ के फॉर्मूला से अगर इसको लगाना है तो क्या करेंगे, देखो कंडीशन दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसमें ये सो तो हमें इन दोनों में चेक करना है कि इन दोनों में यस है कि नहीं, और इसमें यस होता है, इसमें नो होता है, इसमें यस होता है, तब भी इन दोनों में चेक करना है। तो मतलब इन दोनों के लिए तो चलेगा ही चलेगा फार्मूला एक, तो सबसे पहले इसी दोनों का बना लेंगे एक फार्मूला कि इफ़ ये इक्वल टू वाई, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ क्या दे देना है, ओके। ठीक है, खाली इन दोनों में से बना रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पे वाई नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा क्या ये इक्वल टू वाई है, अगर है तो इसको कर दूँगा ओके, अदरवाइज नॉट ओके। ठीक है, ये फार्मूला बन गया जो इन दोनों पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं, इफ अगर ये इक्वल टू वाई है, मैं इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो चलना ही चलना है, इसको इक्वल टू से पहले तक कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इफ अगर ये इक्वल टू वाई है तो ये पूरा फार्मूला, और नहीं है, वैल्यू फॉल्स की एंट्री रह रही है ना, तो हमें एक और इफ लगाना है। अगर ये इक्वल टू वाई है तो ये पूरा फार्मूला, और अदरवाइज में नॉट ओके, क्योंकि वहाँ दूसरा वाला नहीं मिला तो नॉट ओके हो गया। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बनेगा इसके लिए। ठीक है, रिजल्ट सेम है, तो ये इफ के फार्मूला से, ये एंड और से, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस करें, इतने काफ़ी है।